महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर ईडी का शिकंजा, 12 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को किया गया गिरफ्तार। वसूली केस में ईडी ने किया गिरफ्तार, ईडी ने कहा अनिल देशमुख जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर, 1 से 2 दिन में देशमुख के बेटे और पत्नी की भी हो सकती है पेशी, ईडी के सामने ही पेशी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अनिल देशमुख की पेशी, आज पीएमएलए कोर्ट में पेश कर सकती है ईडी। महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट कर कहा, देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब देश को 100 करोड़ की वसूली के आंका का इंतजार। एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पेश हुए समीर वानखेड़े, जांच टीम के सवालों के जवाब नहीं दे पाए समीर, 5 घंटे तक चली पूछताछ। ग्लासगो में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी की मुलाकात, आतंकवाद और अफगानिस्तान पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल को जन आंदोलन बनाना होगा, 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा भारत। COP26 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग को बताया चिंता का विषय, कहा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाएगा भारत। COP26 समिट में बोले पीएम मोदी, कहा विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित है, दुनिया को बचाने के लिए अहम कदम उठाने होंगे। COP26 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 50% तक बढ़ाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी, सालाना 60 मिलियन टन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य। COP26 समिट में पीएम मोदी से मिले इसराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से किया एक दूसरे का स्वागत। ग्लासगो में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की, छात्रों और युवाओं से भी मुलाकात करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। आज आवास और शहरी नियोजन विभाग का कार्यक्रम, सीएम योगी युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली से आज देहरादून वापस लौटेंगे सीएम धामी, कोरोना वैक्सीनेशन के विजेताओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विधानसभा चुनावी तैयारियों को लेकर अमित शाह ने संभाली कमान, दिल्ली में उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं के साथ किया मंथन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में गृहमंत्री से मुलाकात, उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। मुसलमानों को लेकर ओवैसी का बयान, कहा चौधरी चरण सिंह ने जाटों को सियासी ताकत बनाया, उसी तरह भारत के मुसलमानों को सियासी ताकत बनाई। जिन्ना वाले बयान पर यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जोरदार हमला, कहा समाजवादी पार्टी हमेशा से आतंकी और देशद्रोहियों की सरपरस्त रही। जिन्ना वाले बयान पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के तीखे तेवर, कहा अखिलेश यादव 5 साल अपनी सरकार में वीडियो गेम खेलते रहे। अखिलेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर बीजेपी का तंज, कार्टून जारी करके साधा निशाना, लिखा 22 में हार रहा हूं इसीलिए भाग रहा हूं। अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने वाले बयान पर बीजेपी का तंज, यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा योगी राज में हुए कामों से डर गया अखिलेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को बुलडोजर कहने पर बाराबंकी में प्रियंका गांधी के ऊपर भड़के बीजेपी विधायक, कांग्रेस पर लगाया भूमाफियाओं से प्रेम का आरोप। आज लोकसभा के 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे, कई बड़े चेहरों की किस्मत पर फैसला। 13 राज्यों के 29 विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को हुआ था मतदान, अभय चौटाला प्रतिभा सिंह समेत कई के भाग्य पर फैसला। कई राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई SIA, NIA की तर्ज पर होगा SIA का गठन। आज वैक्सीनेशन में पीछे रहने वाले जिलों के हालात की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी, 40 से ज्यादा जिलाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी नेता का दावा, कहा महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया गया है, जिससे मृतक युवक के परिजनों से मिलने अनंतनाग नहीं जा सके। ममता और कांग्रेस में तकरार, ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस भरोसे लायक नहीं, अधीर रंजन चौधरी बोले आपने बीजेपी से हमारी सुपारी ली है। देर रात गुजरात के वडोदरा में आग का कोहराम देखने को मिला, लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर नजर आई। चीन को पटकनी देने के लिए भारतीय सेना तैयार, 14,000 फीट ऊंचाई पर भारतीय सेना का हो रहा अभ्यास। पाकिस्तान में फिर से गहराया राजनीतिक संकट, इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच तनातनी, लोगों को आशंका फिर से अन्य तख्ता पलट हो सकता है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा का किया निरीक्षण, कहा संसद भवन को स्वच्छ रखने का चल रहा अभियान। दिल्ली में 1984 दंगा पीड़ितों ने निकाला कैंडल मार्च, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ और सज्जन कुमार को फांसी देने की मांग। दिल्ली में जगदीश टाइटलर पर फिर मचा बवाल, दिल्ली कांग्रेस के मंच पर आए नजर, विवाद पर कहा CBI ने 3 बार क्लीन चिट दी है। पंजाब के लोगों को दिवाली पर बंपर तोहफा, 2 रुपए 38 पैसे के हिसाब से मिलेगी बिजली, 100 यूनिट तक 1 रुपए प्रति यूनिट रहेगी दर। पंजाब के सरकारी कर्मचारी को मिला दिवाली का तोहफा, सीएम चन्नी ने महंगाई भत्ता 11% बढ़ाने का किया ऐलान। एडवोकेट जनरल पद से
हटे। एपीएस देओल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह सैनी से मिलकर सौंपा इस्तीफा। खाद की कमी पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का बड़ा बयान, देश में नहीं खाद की कमी, राज्यों को इस महीने करेंगे 76 लाख मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले साल के राष्ट्रीय खेल विजेताओं को किया सम्मानित, कहा देश में सभी लोगों को खेलकूद में लेना चाहिए हिस्सा। मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट का रिजल्ट घोषित, परीक्षार्थियों को ईमेल द्वारा भेजा गया रिजल्ट। तालिबानियों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बैंक को अनफ्रीज करने की अपील, तालिबानियों ने देश में खड़े मानवीय संकट को रोकने का हवाला दिया। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद संपत्ति हुई थी सीज, अरबों डॉलर संपत्ति अमेरिका ने की थी। धनतेरस पर भी फूटा महंगाई का बम, लगातार सातवें दिन पेट्रोल के दाम में 35 पैसे का इजाफा, दिल्ली में 110 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। काली पूजा, छठ पूजा और जगधात्री पूजा पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका, कोरोना के चलते पाबंदियां लगाने की मांग। अयोध्या में कल होने वाले दीपोत्सव की भव्य तैयारी, कड़ी सुरक्षा के लिए एसआईटी कमांडो, पीएसी और आरएएफ के जवाब तैनात। अयोध्या में दीपोत्सव पर चलेंगे 12 लाख दिए, श्री राम का होगा 9 लाख श्रृंगार, 3 नवम्बर को पुष्पक विमान से आएंगे श्री राम। अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज, लेजर शो में दिखी रामराज की झलक, रामकथा पार्क में हुआ भव्य कार्यक्रम। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर तैयार है अयोध्या, झांकियों की बढ़ाई गई है संख्या, 12वीं झांकी पर्यटन विभाग की जोड़ी गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, हरीश रावत के केदारनाथ दौरे के दौरान हंगामा, काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सीएम धामी के कार्यक्रम से पहले हंगामा, मंच पर बैठने की जगह नहीं मिलने पर आपस में भिड़ी बीजेपी कार्यकर्ता। उत्तरकाशी को उत्तराखंड के सीएम धामी की बड़ी सौगात, 9 योजनाओं का किया लोकार्पण, 15 का किया शिलान्यास, किसान मंडी का भी उद्घाटन किया। यूपी में नोएडा पुलिस ने किया सॉल्वर गैंग का खुलासा, गैंग के 10 सदस्य को किया गिरफ्तार, यूपी हरियाणा राजस्थान और बिहार में थे सक्रिय। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने पीएम मोदी को बताया आधुनिक काल का भागीरथ, कहा प्रदूषित हुई नदियों को बचाने के लिए पीएम चला रहे हैं नमामि गंगे अभियान। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का शक्ति प्रदर्शन, मंगलौर में निकाली ट्रैक्टर रैली, जनता से की आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। उत्तराखंड के देहरादून में पहले इंटरनेट एक्सचेंज की सौगात, बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने वर्चुअली किया शुभारंभ, कहा डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड को मिल रहा है फायदा। एमपी में आज ईवीएम से बाहर निकलेगा जनादेश, एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होगी काउंटिंग। काउंटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने भरा जीत का दम, सीएम शिवराज बोले खिलेगा कमल, कमलनाथ बोले जारी रहेगी दमोह जैसी दमदारी। एमपी के 70,000 बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन आज, डीए और इंक्रीमेंट की मांग। छत्तीसगढ़ के कोरिया में फिर से सामने आई कांग्रेस की कलह कथा, स्थापना दिवस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर गई संसदीय सचिव अंबिका सिंह। फिर सामने आई कांग्रेस की कलह कथा, स्थापना दिवस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर गई संसदीय सचिव अंबिका सिंह। एमपी के छिंदवाड़ा में 24 करोड़ का धान बर्बाद, चंदनवाड़ा कैंप में बारिश से बचाव के नहीं थे कोई इंतजाम, कृषि मंत्री कमल पटेल ने जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बापू के भजनों पर तेज हुई सियासी सुर, बीजेपी का वार, सरकार के मुंह में राम बगल में छुरी। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ कांग्रेस का सदस्यता अभियान, 10 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ने का टारगेट, रायपुर में सीएम बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित, जेडीयू और आरजेडी में काटेगी टक्कर। बिहार के मोतिहारी में नहीं थम रहा भ्रूण मिलने का सिलसिला, कचरे के ढेर में फिर से मिले 2 नंबर क्रिकेट। झारखंड में पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों के 2 हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार, दोनों के पास से कई हथियार जब्त। बिहार के कटिहार में 3 दिवसीय गंगा उत्सव का आयोजन, महाआरती में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल, 1110 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा मनिहारी का पवित्र भागीरथी तट। झारखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कसा शिकंजा, पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई, करीब 20 लोग जख्मी, यात्री बस ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। बिहार के मोतिहारी में कूड़े के ढेर में मिला 2 नवजात का शव, मामले को सुलझाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ले रही है पुलिस। बिहार के मोतिहारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए, जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए। झारखंड के धनबाद में सड़क पर आई बड़ी दरार, इलाके में मची अफरा तफरी, बीसीसीएल प्रबंधन ने लिया मौके का जायजा। राजस्थान के वल्लभनगर और धरियाबाद विधानसभा में आ जाएंगे नतीजे, बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का किया है दावा। कांग्रेस के सदस्यता अभियान का आगाज, पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा सदस्यता अभियान के जरिए संगठन को करेंगे मजबूत। राजस्थान के अजमेर में रीट परीक्षा 2021 के परिणाम का इंतजार हुआ खत्म, आज जारी होगा रीट परीक्षा 2021 का परिणाम।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा देश में माहौल तनावपूर्ण, फासीवादी ताकतों को रोकना होगा। राजस्थान के जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के दफ्तर के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन, सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। आज आएगा हरियाणा के इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव का नतीजा, काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। हिमाचल की मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के आज नतीजे, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान, जेलों में 6 महीने से कम की सजा काट रहे सामान्य अपराध वाले कैदियों की बाकी बची सारी सजा माफ। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी का हुआ विस्तार, 2 महासचिव और 8 सचिवों समेत कई पदाधिकारियों की नियुक्ति। टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद तेज गेंदबाज बुमराह की सफाई, कहा हम 6 महीने से लगातार खेल रहे हैं, ब्रेक चाहिए होता है। लगातार 4th मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, श्रीलंका को 26 रनों से हराया, जोस बटलर ने नाबाद 101 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 163 रनों का दिया लक्ष्य, टी20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने जोस बटलर। न्यूजीलैंड से हार के बाद कोहली का 10 साल पुराना ट्वीट वायरल, जिसमें वो हार से दुखी होकर घर वापस जाने की बात कर रहे हैं। आर्यन को बेल मिलने के बाद शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने न्यूयॉर्क में मनाई हेलोवीन पार्टी, सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर। सारा अली खान और जानवी कपूर ने किए केदारनाथ के दर्शन, सोशल मीडिया पर तस्वीर देख फैंस बोले इसे संस्कार कहते हैं। एक्टर सलमान खान की फिल्म अंतिम का नया गाना हुआ रिलीज, गाने का नाम भाई का बर्थडे है, सलमान कर रहे हैं जमकर प्रमोशन। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया को कहा अलविदा, डिलीट की इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट। आज धनतेरस को लेकर चारों तरफ उत्सव का माहौल, बाजार पूरी तरह से सजे हैं, बर्तन को लेकर सोने चांदी की दुकानों पर रहेगी ग्राहकों की भारी भीड़। पिछले साल कोरोना के चलते कारोबार रहा था ठप, बाजारों में इस साल फिर से चहल पहल देखने को मिल रही है। अक्टूबर 2021 में फिर हुआ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, 1,30,000 करोड़ तक पहुंचा कलेक्शन, जीएसटी लागू होने के बाद दूसरी बार इतना कलेक्शन। फेस्टिवल सीजन में मारुति की बिक्री 24% घटी, तो वहीं टाटा मोटर्स की 30% बढ़ी, बाजार में बजाज की गाड़ियों की डिमांड भी रही कम। लंबा हुआ ओला स्कूटर का इंतजार, 16 दिसंबर से परचेज ऑर्डर दे सकेंगे ग्राहक, स्कूटर के डिमांड बढ़ने से बढ़ रहा है वेटिंग टाइम। कोरोना से दुनिया में मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार जा पहुंचा, 19 महीने में न्यूजीलैंड में की कुल आबादी से ज्यादा लोगों की मौत हुई, सबसे ज्यादा 7.66 लाख लोगों की मौत अमेरिका में हुई। टोक्यो में ट्रेन में जमकर हुआ हमला, जोकर का हमला, चाकू से 17 लोगों पर किया वार, ट्रेन में आग लगाई। ग्लासगो में आयोजित यूएन COP26 के रिसेप्शन के दौरान दिखा प्रिंस चार्ल्स का मजाकिया अंदाज, प्रिंस चार्ल्स ने मजाक में ड्रिंक किया स्वीकार। फेसबुक की काली करतूत बताने वाली विसल ब्लोअर फ्रांसिस होगन ने मार्क जुकरबर्ग से किया आग्रह, कहा पद छोड़े और फेसबुक में बदलाव की अनुमति।